सिरसा कीर्ति नगर इलाके में कल शाम एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले की पुलिस अभी जांच ही कर रही थी कि रात को एक और 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का दूसरा मामला स्थानीय पुलिस के पास पहुंचा। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बच्ची को उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जो बात सामने आई है वो ये है कि दोनों ही मामलों में शामिल आरोपी एक ही है। जानकारी के अनुसार 23 जुलाई को कीर्ति नगर इलाके के पास एक व्यक्ति 6 साल की मासूम बच्ची को गोद में उठाकर एक गली में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन एक औरत ने आरोपी व्यक्ति को देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया। वहीं ये पूरी वारदात एक कैमरे में कैद हो गई। वहीं मंगलवार शाम को भी कीर्ति नगर इलाके में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन बच्ची ने हिम्मत दिखाई और आरोपी के चुंगल से भागने में कामयाब हो गई। बच्ची के शोर मचाने पर लोग एकत्रित हो गए और आरोपी मौके से फरार हो गया। एक के बाद एक 2 मासूम बच्चों के साथ जबरदस्ती के मामले सामने आने से इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं पुलिस सकते में है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। कल वाक्या हुआ है, मेरे वार्ड में बच्ची के साथ गलत हरकत हुई है, दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। आज हम उसी आदमी को ढूंढ रहे थे, लगभग मिल भी चुका था लेकिन वो फरार हो गया। पुलिस हमारे साथ थी, वो भाग कर गया है, नंगे पैर अपनी चप्पलें छोड़ गए, वो हमारे हाथ से निकल गया। उसके बाद वो ऑटो मार्केट की तरफ भाग गया। करीब 20 मिनट बाद उसने फिर एक बच्ची को उठाया है नंगे पैर। उस बच्ची ने शिनाख्त की है उसकी वीडियो देखकर। उस बच्ची ने उसको उठाया है, बच्ची को उसने उठाया और बच्ची से गलत हरकत की। बच्ची ने उसके यहाँ बोल दांत भी बांटे है और शोर मचाया। बच्ची ने उसके थप्पड़ भी मारा है, शोर मचाया है। पड़ोसी उड़ोसी आगे तो बच्ची की बचत रहेगी शोर मचाने से। बिल्कुल ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए क्या, ताकि ये जेल के अंदर जा सके, क्योंकि ये कल किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं। छोटे हाँ, कल एक दरख्वास्त आई थी मनप्रीत की, उसकी लड़की के साथ मतलब ये थी, ना मालूम ना पता मालूम वो लड़का लेके गया था, उसको उठाने की कोशिश की थी, जिसकी माँ ने अपना मौके पे देख लिया और उसको उठा के वो भाग गया छोड़ के। तो जिसकी दरख्वास्त पे मुकदमा दर्ज कर दिया और आगे की कार्रवाई जारी। हाँ जी, दोनों मामलों में FIR दर्ज कर दी है, बच्ची के तफ्तीश जारी है, अपना करेंगे आगे की कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद एक्सप्रेस।